ज़ुहर की नमाज़ का टाइम था और ये मैं नमाज़ पढ़ चुका था और ये देखें ये बेड बैठी हुई है बिल्कुल जहाँ मैं सजदा कर रहा था और बिल्कुल उसके सामने मुझे बाद में नज़र आई है, तो अल्लाह ने बचा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ज़िक्र अज़कार भी मैं करता रहता हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर और बड़ा करम है दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। अभी मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ और अम्मी जान बना रही हैं जी आलू की तारी। ये देखें ये अभी बन रहा है और साथ जो है वो देखते हैं क्या है। और ये अभी गोश्त डाला हुआ है इन्होंने, इसका भी लॉन्ग प्रोसीजर है। ये दही है, लस्सी का दिल कर रहा है लेकिन चावलों के साथ नहीं पीनी चाहिए, ये रात को पी लेंगे इंशाल्लाह बनाकर। तहारी तैयार हो चुकी है, अभी खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऊपर मैंने दही डाल दी और साथ में ये अचार है। ये कसौंदी का पौधा है और ये पत्ते तोड़ लिए मैंने खाने के लिए और फली भी तोड़ ली आपको दिखाऊँ, इसके बीज बहुत मुफीद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेस्ट कर लिया था और अभी निकला हूँ वॉक के लिए और असर की अजानें शुरू हो चुकी हैं। अभी आगे एक मस्जिद है कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद फिर वॉक स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी ये बकड़ा है और ये इसकी बेल है, कितना फैला हुआ है कांटे इसके साथ, कितने ज़बरदस्त लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े माशाल्लाह। आज थोड़े से इकट्ठे कर लेते हैं जो मेडिसिन में डालने हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े इसके साथ लगे हुए हैं, ये देखें। अभी इकट्ठे करते हैं इंशाल्लाह। धूप सख्त है और थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी जो तपश है उसमें नरमी आ जाएगी, असर के बाद आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी हल्की सी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इकट्ठे कर लेते हैं ये। यहाँ देखें कितना ज़्यादा लगा हुआ है माशाल्लाह, और ये थोड़ा सा इकट्ठा किया मैंने अभी कर रहा हूँ क्योंकि मुश्किल है, कांटे हैं इसके साथ, कांटे इकट्ठे करने हैं। और ये देखें माशाल्लाह पूरी बेल फैली हुई है, देखें जो ज़मीन के साथ नीचे लग जाते हैं, ये देखें ये चूंटियाँ खा लेती हैं इनको, देखें ख़राब हो जाते हैं। ये देखें पर्पल फूल वाला, ये कटहरी के कांट करी भी कहते हैं और कटहरी भी कहते हैं, देखें इसके साथ ये फल लगी हुई है, हर हर जगह इसके कांटे ही कांटे। ये दमे के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लांट है माशाल्लाह, बेल है ये देखें, ये इसके फल जो हैं ये पक चुके हैं, ये इसको आप ड्राई कर लें, ये देखें इसके अंदर से ये है, इसको बेल को आप ड्राई कर लें और धो के एहतियात से छोटे छोटे पीसेस कर लें और उसके बाद इसकी ग्रीन टी बना के आप पिए, काढ़ा बना के पिए, ये सांस की जो तंगी होती है सांस लेने में दुश्वारी होती है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। ये देखें खांसी के लिए भी मुफीद है ये। ये देखें फिर ये कितना ज़बरदस्त प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, ये देखें इसकी फली है, इसको हुरहुर का कहते हैं, ये देखें छोटे छोटे इसके बीज हैं बिल्कुल राई के दाने के बराबर, ये देखें ये पेट के लिए बड़ा मुफीद है, ये देखें। ये देखें ये बेल लगी हुई है माशाल्लाह, और इनके साथ देखते हैं क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं जो उन्होंने देसी खीरा काश्त किया हुआ था, क्योंकि यहाँ केयर नहीं है, जो बारिश होती है उसी से ही सारे निज़ाम चल जाते हैं। कुछ दिन पहले ये देखें यहाँ पे सारा हल चलाया गया था, जगह को प्लेन किया गया था और ये घास निकल आया है, बारिश हो रही है धड़ाधड़, मानसून है और घास निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखते हैं जाके जो खीरे की बेल है उनके ऊपर जो कुछ लगा हुआ है, खीरे बड़े हुए हैं कि किसी ने तोड़ लिए हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है ओपन एरिया है कोई नहीं छोड़ता।
एक देखें ये कटहरी के माशाल्लाह, ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके फूल होते हैं। ये दमे के लिए बहुत मुफीद है जी, बहुत मुफीद है। ये देखें आग का पौधा, मदार जिसको कहते हैं, इसके फूल कितने खूबसूरत हैं। ये जो अंदर इसका लौंग है, ये भी दवाई में डलता है और ये पूरा फूल ही डलता है। इसका दूध भी इस्तेमाल होता है, ये देखें। और इसको बहुत एहतियात से निकालना चाहिए दूध को, क्योंकि आँख में पड़ जाए तो आँख ज़ाया हो जाती है। ये देखें जी हम पहुँच आए हैं। और ये लगा हुआ जी खीरा, देसी खीरा, ये देखें। और लगा हुआ ये बच्चे भी यहाँ पे, बच्चे बकरियाँ जो चराने आते हैं वो भी तोड़ लेते हैं। ये देखें कितने लगे हुए हैं देसी खीरे। ये देखें वॉक करके मैं फ्रेंड के पास आ गया था। और ये देखें कुछ दिनों पहले यहाँ से जो कसौंदी के पौधे काट दिए गए थे, उनके साथ फलियाँ लगी हुई थी और फलियों में से बीज गिरी हैं। और फिर ये देखें नए कसौंदी के पौधे जो हैं वो निकल आए। अल्लाह की शान, बारिशें भी हो रही हैं और खूब फल फूल रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखें कितना खूबसूरत भी हुआ है माशाल्लाह। ये मेरी फ्रेंड की गायें चल रही हैं, ये देखें साथ में बछड़ा भी है माशाल्लाह। और मकई अच्छी बली हो गई है, अभी इसमें सिटा लग चुके हैं और अब दाने लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज भी पढ़ ली है जी और वॉक कर लिया और फ्रेंड के साथ आया हुए हैं। ये देखें गाय चुरा रहे हैं और यहाँ बैठ के गपशप भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है माशाल्लाह। ये देखें मकई माशाल्लाह पूरी लाइनों में लगी हुई है और छलियाँ लगना स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें अब दाना बन रहे हैं। देखें माशाल्लाह अभी 10-15 दिनों तक बेहतरीन हो जाएंगी ये। ये देखें जी ये परिंदा आके बैठेगा गाय के पास और अब गाय के पास भाई हैं तो इसलिए वो उड़ के आके चला गया। सनसेट का मंजर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी वॉक करके घर आ चुका हूँ और अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। और फ्रेंड ने दी है जी आज लस्सी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर पियेंगे इंशाल्लाह। अभी मैंने ग्लास में लस्सी डाल ली है, पीते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, साथ साथ लस्सी पीते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नई अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।